अश्विनी कुमार की सहायता से पार्वती नंदन को मिला नवीन गशीश, किंतु पुत्र की पुरानी छवि के मोह ने किया माता पार्वती को उनके नवीन पुत्र से दूर। माँ के व्यवहार ने किया जब पुत्र को आंदोलित, तो पिता ने करवाया पुत्र को उसके मुख का दर्शन। अब आगे। ये क्या हो रहा है मुझे? ये बालक मेरा ही तो पुत्र है, तो इसे स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही हूं मैं? मैं चिंतित हूं महादेव। देवी पार्वती ने अभी तक अपने पुत्र को नहीं अपनाया है। अतीत की छाया जब तक किसी के मन मस्तिष्क पर छाई रहती है, उसे कष्ट ही देती है, जिसका एकमात्र समाधान व्यक्ति का शीघ्र अतिशीघ्र उस अतीत से उबर कर वर्तमान को स्वीकार करना। अपने अतीत के प्रति देवी पार्वती का मोह भी अवश्य टूटेगा। जब उनका वर्तमान इसके लिए उन्हें विवश कर देगा। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? माँ रुकिए ना, माँ मैं यहाँ हूँ। इधर देखिए माँ, आपने ही अपनी कल्पना से मुझे बनाया है। माँ कल्पना में माता के छवि है एक प्यारी, रचने लगी उंगलियां छवि चित्र मनोहारी। इसलिए मैं आपका ही पुत्र हूँ और आप मेरी माँ हैं। किंतु महादेव, देवी पार्वती कैसे स्वीकार करेंगे अपने पुत्र को? ब्रह्मदेव, एक बालक तो अपनी माता के हृदय का ही अंश होता है। अपने हृदय को भला कोई कैसे नकार सकता है? अभी अतीत के प्रभाव से भ्रमित हैं देवी पार्वती, किंतु एक बार ये भ्रम के मेघ छटेंगे तो उन्हें वर्तमान स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वो अपने पुत्र को इस रूप में पूर्व से कहीं अधिक स्नेह देंगी। माँ, मैं इधर हूँ। माँ इधर देखिए। माँ, मैं तुम्हें नहीं पहचानती, तुम मेरे पुत्र नहीं। से दूर क्यों जा रही है? हमारा कार्य तो पूर्ण हो गया, फिर हम यहां रुके क्यों हैं? मेरे विचार से अब हम देवताओं को प्रस्थान करना चाहिए। नहीं इंद्रदेव, अभी वो समय नहीं आया है।
यदि मैं आपके स्थान पर होता तो यहां से जाने का विचार तब तक नहीं करता जब तक कि देवी पार्वती अपने पुत्र को गजमुख के साथ स्वीकार नहीं कर लेती, क्योंकि यदि उनकी क्रोधाग्नि पुनर्जागृत हो गई और उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया तो आप सभी पुनः संकट में आ जाएंगे। यह स्वामी उचित कह रहे हैं, हम सबको देवी पार्वती की सहायता के लिए यहाँ उपस्थित रहना चाहिए। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। नहीं नहीं, मेरा पुत्र तो माँ। आइए ना माँ, शीघ्र आइए ना माँ, मैं ही हूँ आपका पुत्र। माँ कहाँ जा रही है? माँ रुकिए ना माँ, मैं यहाँ हूँ, इधर देखिए माँ। माँ मुझे आप एक लोरी सुनाकर सुला दो ना। माँ मुझे स्मरण है, आपने मुझे लोरी सुनाकर सुलाया था, आज भी मुझे लोरी सुनाकर अपनी गोद में सुला दीजिए ना माँ। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ पुत्र, कैसे भूल सकती हूँ तुम्हें, जब तक तुम्हारी स्मृतियां मेरे सामने रहेंगी मैं तुम्हारे इस गजमुख को कैसे अपनाऊंगी। मेरे अनुसार नेत्र पिता के हैं, किंतु इनकी सौम्य और मन भावन मुस्कान आपकी है देवी पार्वती। कितनी मनमोहक मुस्कान है, जैसे चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रही हो। आओ पुत्र यहाँ आओ, मैं तुम्हारा जीवन धन धान्य से संपन्न कर दूंगी। इतनी प्रशंसा मत कीजिए इनकी, इतनी प्रशंसा से कहीं किसी की कुदृष्टि ना लग जाए। पुत्र दृष्टि तो तुम पर पड़ी गई पुत्र, माँ नहीं, ये अनर्थ होना ही नहीं चाहिए था। मैं मन से प्रयास कर भी रही हूँ, फिर भी उस बालक में मुझे अपना पुत्र दिखाई नहीं दे रहा। उसके प्रति मेरा स्नेह, मेरा वात्सल्य उमड़ ही नहीं रहा। मेरे पुत्र के साथ मेरी स्मृतियां रह रहकर उमड़ आती हैं,
उसका स्मरण कराकर मेरे हृदय को दुखी करती है। जहां देखती हूं उसी का मुख दिखाई देता है। मैं जहां जाती हूं उसी का स्वर सुनाई देता है। मेरा पुत्र जो मेरे मुख पर मुस्कुराहट बिखेर गया, जो मेरे लिए मोती लेकर आया, जो मेरा पुत्र जो मेरे लिए ये बेड़ तोड़कर लाया था, अब कौन हंसाएगा मुझे? माँ, कौन बेड़ तोड़कर लाएगा मेरे लिए? किंतु माँ, मैं तो आपका वही पुत्र हूँ, फिर आप दुखी क्यों हो रही हैं माँ? मैं तो अभी भी आपके मुख पर मुस्कुराहट ला सकता हूँ। मैं वो सब कर सकता हूँ माँ, जो मैंने पूर्व में किया था। मैं अभी माँ के लिए पुनः बेर ले आता हूँ और उन्हें प्रसन्न करता हूँ। यहीं से तोड़कर वो बेर मैं ले गया था। ये बेर तो मैं तोड़कर ही रहूंगा। माँ पुनः प्रसन्न हो जाएंगी। मेरे नवीन कान जी, आप ऐसी तीव्रता से फड़फड़ाएंगे तो मेरा ध्यान भटक जाएगा। देखा ना कान जी, कैसे धड़ से गिर गए हम। किंतु कुछ भी हो जाए, असफल नहीं होऊंगा। माँ को मनाने के लिए बेर तो अवश्य तोड़ कर ले जाऊंगा। कांजी, अभी हमारा एक दूसरे से उचित परिचय तो नहीं हुआ है, फिर भी हम तो एक ही हैं, तो मेरी सहायता कीजिए। इतना तीव्र मत फड़फड़ाया कीजिए। पार्वती का दुख कैसे बांटूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जो दुख का पहाड़ पार्वती पर टूटा है, उसे संभालने के लिए हमें तभी उसके साथ रहना चाहिए था। सच कह रही हो विजया, उस बालक को देखकर अपने अशांत मन को शांत करने के लिए हम तो इतनी दूर निकल आई हैं, परंतु हमें अविलंब ही पार्वती के पास पहुँचना होगा। ये कंकड़ कहां से गिर रहे हैं? अरे बालक, वहां कहां चढ़ रहे हो? क्या करने का प्रयास कर रहे हो तुम? अरे बालक, नीचे आओ, चोट लग जाएगी। मुझे लगता है हमें अतिशीघ्र पार्वती के पास पहुंचकर ये बताना चाहिए। ये बालक, चलो।
वहाँ तक तो मैं पहुँच कर ही रहूँगा, बेर तोड़ कर ले जाऊँगा तो माँ पुनः मुझसे प्रसन्न हो जाएंगी। अरे सोंड जी, अभी कान जी को समझाया था तब आपने सुना नहीं? आप सभी नवीन अंगों को एक एक करके समझाना पड़ेगा मुझे, इतना महत्वपूर्ण कार्य है, उसमें मुझे रोकिए मत, सहायता कीजिए मेरी। क्या बात है देवी, आप बहुत चिंतित प्रतीत हो रही हैं। वो देवी पार्वती का पुत्र उस कठिन पहाड़ी पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। यहाँ खड़े मत रहिए, जाके शीघ्र ही महादेव को बताइए कि उनके पुत्र के प्राण संकट में हैं। जाइए, चलो शीघ्र चलो पार्वती, तुम्हारा पुत्र तो पर्वत पर चढ़ रहा है, इतनी ऊंचाई से अगर वो गिर गया तो ज्ञात नहीं क्या होगा। बस अब तो मैं वहां पहुंचने ही वाला हूँ। के लिए बेर नहीं तोड़ सका। पार्वती, गिरने से तो बच गया किंतु अभी भी उस पर संकट छाया है, वही अधर में लटका है वो। माँ इधर देखिए ना, माँ कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे, मैं तो पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ माँ। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो आपके साथ रहने आया हूँ माँ, आपसे बिछड़ने के लिए नहीं। अभी किसी प्रकार सुरक्षित नीचे उतर आए। अरे वाह सोन जी, मुझे गिरने से तो बचा लिया आपने, किंतु अब माँ देख रही हैं, इसलिए अभी मुझे शीघ्रता से अपना कार्य पूर्ण करना होगा। संतुलन बिगड़ा तो संकट में पड़ जाऊंगा, यहाँ तो एकाग्र होकर संतुलन बनाकर चलना होगा। लो यहाँ तक तो पहुँच गया, अब एक बार पुनः ऊपर जाता हूँ। स्वामी ये पुनः ऊपर क्यों चढ़ रहा है, आप उसे रोकने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे? कुछ कहिए स्वामी, कुछ करिए, उसे किसी प्रकार से सुरक्षित नीचे लौटा लाइए। महादेव, देवी पार्वती अपने पुत्र को लेकर चिंतित है और उसकी रक्षा की गुहार लगा रही है।
इसलिए आप इस तरह शांत ना रहिए। कुछ कीजिए महादेव और इस बालक को ऊपर चढ़ने से रोकिए। श्री हरि नारायण, संसार के प्रत्येक घटना के समान यहाँ जो घटित हो रहा है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है और उसका परिणाम भी निश्चित ही है। उसका विचार कीजिए और बताइए, क्या माँ और पुत्र के बीच जो यहाँ हो रहा है उसे मेरे हस्तक्षेप के बिना होने देना क्या उचित नहीं? ध्यान से पुत्र। उचित है महादेव, उचित है। माता को अतीत के मोह से बाहर निकालकर वर्तमान का सामना कराने के लिए यदि कोई समर्थ है तो वो है ये बालक। इसलिए आप जो कर रहे हैं वो उपयुक्त है। ये कैसा हट है, ये फिर ऊपर क्यों चढ़ रहा है? हाँ, यही तो है वो बेर जो माँ को प्रिय है। इन्हें माँ को दूंगा तो वो मुझसे अवश्य प्रसन्न होंगी। आपकी ये बिगड़ी विकृति भी निकट भविष्य में आपकी इच्छा पूर्ति का ही शुभ संकेत है। प्रत्येक बड़ी घटना के पीछे एक बड़ा कारण होता है पार्वती।